नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 5। ए मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मासलेस स्प्रिंग। ये भी वही है, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, वही स्प्रिंग है। मास एम सस्पेंडेड किया है, कैपिटल एम मास, ये कैपिटल एम, ठीक है। एन एडिशनल मास एम स्ट्रेचेस द स्प्रिंग फर्दर बाय ए बाय अ डिस्टेंस एक्स, द कंबाइंड मास विल ऑक्सीलेट विल बी विद पीरियड। यानी कि अब कहा गया है कि ये इस कंडीशन में ये के कांस्टेंट है, अब ये कहा गया है कि इसके साथ में हमने एक स्मॉल एम मास का मास और कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे स्प्रिंग एक्स स्ट्रेच हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो के एक्स होगा वो आपके पास इस एम जी को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि जो एक्स स्ट्रेच आया है वो इस एम मास के अटैच करने के बाद आया है। यानी कि जो के एक्स स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, इससे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एम जी बाय एक्स। अब हमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन, है ना, के। तो यहां पर हम क्या करें, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। अब मास जो होगा इन दोनों का कंबाइन मास हम लेंगे, क्योंकि SHM दोनों साथ में करेंगे m प्लस m, और k का वैल्यू हमने क्या लिखा था, एम जी बाई एक्स, एक्स ऊपर चला जाएगा तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम एक्स अपॉन एम जी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जो यहां स्ट्रेच हुई है स्प्रिंग, वो स्मॉल एम मास को हैंग करने के बाद हुई है, इसलिए हमने यहां के एक्स जो लिया है वो एम जी के इक्वल लिया है, और इससे के का वैल्यू फाइंड कर लिया है, यहां पुट कर दिया। अब ऑप्शंस के अंदर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ए, ठीक है,